मैंने पहली बार साउथ की कोई मूवी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी है, और आज तक पता ही नहीं था कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में हूबहू मिलते हैं, और जो साउथ की जो लैंग्वेज है वो कितनी प्यारी है। इवन जब वो गुस्सा करते हैं तब भी ये लगता है कि वो एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अला वेंकटपुरम मुल्ला मूवी के बारे में, जो एक तेलुगु मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। इसके अंदर कास्ट है अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, जयराम, तब्बू और बाकी अन्य कलाकार। अब देखो, इसकी कहानी बताने से पहले एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, देखो मुझे कोई तेलुगु आती नहीं है, इसमें इंग्लिश सब टाइटल थे, उसके थ्रू मैंने इस मूवी को देखा है। अब यहाँ पर ये जब मैं मूवी देख रहा था, एक चीज जो मुझे फील हुई मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखो हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इवन जो है हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज को वैसे भी मान्यता मिली हुई है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार देखो जो भी चीज जो कोई कंटेंट अच्छा होता है, जैसे साउथ की जो मूवीज हैं बहुत सारी हमें हिंदी में डब मिल जाती है, इवन जो डब नहीं होती हैं उनको एटलीस्ट उनके नीचे जो है वो हिंदी सबटाइटल तो हमें मिल जाने चाहिए, ताकि जिनको इंग्लिश समझने में या जिनको इंग्लिश से मतलब प्रॉब्लम होती है उनको वो कंटेंट देखने में कोई भी परेशानी ना हो। और यार वो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं साउथ की, मुझे लगता है कि यार हाँ यार एक चीज तरीके से इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी ना देकर, मतलब यार देखो अब ये मत पूछ चढ़ना कि यार इंग्लिश बहुत बड़ी चीज होती है। इवन जब हमारे देश की हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश में जो कंटेंट है वो दूर तक पहुंचाने के लिए हिंदी का माध्यम एक बहुत एक अच्छा जरिया है। और ये बात देखो किसी से भी छुपी नहीं है, जो साउथ की जो मूवीज होती है अगर आप उसको बॉलीवुड की किसी मूवी से कंपेयर करके देखो, इवन यार बॉलीवुड में तो मूवीज ऐसी बनती है कि वो साउथ की रीमेक होती है। बॉलीवुड के पास खुद का तो कंटेंट होता नहीं है, वो कौन मेहनत करे यार, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें तो वहां होती ही नहीं है। एक काम करते हैं ये चाइना वालों की तरह, चाइना वाले भी कॉपी मारते हैं, तो ये भी जो बॉलीवुड है वो भी कॉपी मारता है साउथ वाली मूवीज का, तो कोई मूवी इनको दिख जाती है तो उसका कॉपी मार लेते हैं, तो और एक तरीके से अपना प्रोपोगेंडा जो घटिया प्रोपोगेंडा वो इसके अंदर घुसेड़ देते हैं बॉलीवुड वाले। इवन जब अगर मैं बात करता हूँ साउथ मूवीज की, यार वो इतनी अच्छी होती है, अपने कल्चर की वैल्यू करवाना, अपने धर्म की वैल्यू करवाना बहुत एक अच्छे डिसेंट तरीके से हमारे सामने आती है, और इतनी प्यारी कहानी होती है उनके अंदर, यार देखकर ही यार अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है कि एक अच्छा कंटेंट देखा है, एक एक मूवी देखी है, ऐसा फील होता है, कोई प्रोपोगंडा नहीं होता उसके अंदर। अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। दो बच्चों का जन्म होता है, एक जो बच्चा होता है वो रामचंद्र एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसके परिवार में होता है, और एक जो वाल्मीकि जो उसी के रामचंद्र की एक फैक्ट्री में काम करते हैं कलर, उसी के परिवार का एक मतलब उसमें भी एक बच्चा होता है, दोनों ही लड़के होते हैं, एक ही हॉस्पिटल में होते हैं। रामचंद्र की जो बीवी है वो सेकंड फ्लोर पे होती है और वाल्मीकि की जो वाइफ होती है वो फर्स्ट फ्लोर में होती है। तो हुआ होता क्या है कि वाल्मीकि को अपने एक तरीके से नाकामयाबी को लेकर बहुत बड़ा गुस्सा होता है कि उसने और रामचंद्र ने दोनों ने एक टाइम पे शुरू किया था, और रामचंद्र ने अपनी बोस की बेटी के साथ शादी करके फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसे अपना लक के कारण बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया, और उसका लक नहीं चला। इवन ये चीजें कहते हुए हमें मिलते हैं कि अपनी जो कामयाबी जो है वो लक के ऊपर दिखाते हुए, देखो यार मुझे तो इतना लक के ऊपर लगता नहीं कि भी लक होता है तभी आगे बढ़ो, मतलब कि अगर आज मेरे पास लक है तो मैं अगर मेहनत करूं, अगर लक नहीं है तो मैं मेहनत करना छोड़ दूं, यार ये तुक मुझे आज तक कभी समझ में भी नहीं आया। तो वाल्मीकि अपने उस लक के कारण उसको लगता है कि मेरे पास लक नहीं है, मैंने मेहनत तो की थी, इसलिए वो अपने इस कह सकते हो कि इमेजिनेशन के कारण वो इन दोनों बच्चों को बदल देता है। अब देखो यार ये मूवी जो है या इस मूवी की जो कहानी हमने बहुत बार देखी भी होगी और सुनी भी होगी कि भी हाँ दो बच्चों के आपस में अदला बदली कोई इंसान कर देता है, तो बट इसमें नया क्या है, नया देखो यार इसके अंदर जो स्टोरी जो है वो तो हम कह सकते हैं कि हाँ पुरानी है, हमें उसमें कुछ नया नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर जो डायलॉग है, जो स्टाइल है, जो फाइटिंग सीन है, यार कहने का जो एक्सेंट है, बात करने का जो तरीका, वो सब कुछ कमाल का है। इसमें जब अल्लू अर्जुन की आप जब परफॉर्मेंस देखोगे, यार कमाल की परफॉर्मेंस है यार उनकी, उम्दा लेवल की जो परफॉर्मेंस उन्होंने की है, वो एक ऐसे इंसान, मतलब इस मूवी को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं, और इवन वो हर टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, आपके फेस पे से स्माइल भी वो हटने नहीं देंगे, इतनी जबरदस्त कलाकारी, इतनी यार वर्ड्स नहीं है यार मेरे पास। और जब बच्चे बदल दिए जाते हैं तो वाल्मीकि अपने जो बदले हुए बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करता है, इवन ऐसे कि वो जो कामयाब नहीं हुआ अपने नाकामयाबी का जो जो सारा का सारा क्रेडिट है अपने बच्चे के ऊपर फोड़ता है, उसको मतलब बहुत तकलीफ देना, टॉर्चर करना, ये सब उसने किया, इवन उसकी पढ़ाई भी रुकवा देता है वो। और वाल्मीकि इस बच्चे का नाम रखता है बंटू। अब जब बंटू जब बड़ा होता है तो वो बचपन से ही कोशिश कर रहा होता है कि अपने बाप की नजरों में एटलीस्ट इज्जत पा पाए कि भाई हाँ भी मैं भी कुछ काबिल हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ,
हूँ, ये सब करने के लिए वो बहुत कोशिश भी करता है। और एक दिन उसे पता चलता है, बंटू को जो पता चलता है कि उसको मतलब बचपन में बदल दिया, जब वो पैदा हुआ था उसको बदल दिया जाता है, एक नर्स उसे बताती है। अब जब ये बात उसे पता चलती है, अब एक तरीके से ये तो हो सकता है ना कि वो जाए और अपने जो उसका परिवार है, जो अमीर परिवार, उसको एकदम जाके सब सच सच से बोल दे। ऐसा तो उसने किया नहीं, उसके विपरीत उसने कुछ और ही किया होता है। अब उसके लिए तो आप लोगों को देखो यार मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी में पूरी की पूरी कहानी तो मैं इस रिव्यू में तो बताने से रहा, बट जो ये डिसीजन लेता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फाइंग तरीके से हमें हमारे सामने रखे जाते हैं कि हाँ यार एक बहुत अच्छे से समझदारी से इस चीज को निभाया गया, या फिर कहेंगे कि इसके फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं इस मूवी से हमें सीखने को क्या मिलता है। अब देखो बंटू को बचपन से ही उसके पिता एक बात बार बार बोल रहे थे कि यार तू धरती पे एक बोझ है, तू मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग बहुत आते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, तुम लोगों का कोई भविष्य नहीं होता। ये बार बार उसको बचपन से एक ही लाइन बोलता चला आता है। और इस लाइन को सुन सुनकर यार देखो आप एक बच्चे को स्टार्टिंग से ऐसी बात बोलोगे तो उसके मन के ऊपर मानसिक रूप से कितना ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा उसको फील करने लग जाता है उसकी वो चीजें, मतलब अगर वो मेहनत करता है उसको बार बार वो सुनने को मिलता है तो उसका यार बहुत ज्यादा हर्ट होता है, वो इस चीज से बहुत दुखी भी होता है। और जब ये बात अपनी बॉस को बताता है, जो उसकी बॉस एक लड़की होती है अमूल्या और एक तरीके से इसकी प्रेमिका भी होती है, जब वो अपनी प्रेमिका यानी बॉस इसको बताता है तो वो उसको एक बहुत एक अच्छी शिक्षा देती है। वो एक बुक बंटू के सर के ऊपर रखती है और जैसे ही बुक उसके सर के ऊपर रखती है तो वो एक बात कहती है कि अपना जो सर है वो बिल्कुल सीधा रखना, क्योंकि बुक अगर तुमने नीचे अपना सर जो है वो नीचे किया तो बुक जो है वो नीचे गिर जाएगी। और एक बात बोलती है कि जब भी तुम्हारे सर के ऊपर जैसे ही वजन बढ़ता चले तो कोशिश करो कि अपने सर को ऊंचा रख पाओ। और वो इसको कंपेयर करती है जिम्मेदारी से, बहुत एक सुंदर तरीके से उसने इस बात को समझाया कि देखो हमारे सर पर जब भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हमें कभी भी अपना सर नीचे नहीं करना चाहिए, या हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए हमारी जिम्मेदारियों का, क्योंकि हमें मजबूती से हमारी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी एक बेहतर इंसान बन के हम निकलेंगे। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि एक साउथ की मूवी है, इसके अंदर एक्शन बड़े अजीबोगरीब दिखाए गए होंगे जिनका लॉजिक के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो देखो यार मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर तुम्हें लॉजिक चाहिए तो जाके कोई बुक या किताब जाके उसको पढ़ो, तब तुम्हें वहाँ लॉजिक मिल जाएंगे। ये एक मूवी है, यानी एक फिल्म का मतलब क्या होता है, आप जाए वहाँ पर आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिले और ये एंटरटेनमेंट ही आपको प्रोवाइड करती है। जो एक्शन रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं होते उसको रियल लाइफ में आपको दिखा कर आपको एंटरटेन किया जाता है। अब देखो यार मूवी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार वो तो कमाल की, मैंने कहा यार परफॉर्मेंस इसकी जान है, इसमें कॉमेडी भी बहुत ज्यादा डाली गई है। और इवन मुझे तेलुगु मूवी में देखने से मुझे कोई मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कोई अजीबो गरीब लैंग्वेज सुन ली, बहुत अच्छा लगा इसको सुनते हुए। और इवन इसके मुझे गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका जो पहला गाना है जो रैप के अंदर है, इवन इंग्लिश सबटाइटल वहाँ लिखे आ रहे थे, मैंने उससे समझा उस चीज़ को, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा यार इस मूवी को देखना वर्थ इट है, आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। सर अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो यार, बहुत अच्छी बहुत प्यारी मूवी है। और जिन्होंने देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।